भूखा सो रहा बिहार, नीतीश कुमार का है इफ्तार, विपक्षियों का मिला कुर्सी के लिए सारा झमेला, जिनके निकले हैं पेट पैसों के मामले में है सेट, उन्हें खिलाकर क्या फायदा जब गरीब सो रहा अकेला। इफ्तार की हाल में सिकेंगी सियासी रोटियां, लाल किले के बाद क्या संसद के बैकग्राउंड में बैठेंगे नीतीश। लाल किला ना सही तो उसका फोटो ही सही, क्या नीतीश के लिए पार्टी के लोग भी ऐसा ही सोचने लगे हैं या फिर कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं कि होशियार रहिए नीतीश बाबू आ रहे हैं। वैसे वो दिल्ली अमेरिका कहीं भी जाने का फैसला कर सकते हैं, यही लोकतंत्र है। लेकिन क्या ये भी लोकतंत्र है कि आपका राज्य अशांति के दौर से गुजर रहा है, लोग खौफ से अपना घर छोड़ रहे हैं, किसी के बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं, आपका आधा राज्य दूसरे प्रदेशों में मजदूर हो और आप इफ्तार पार्टी करते रहे। नीरो तो बंसी बजाते हुए ड्रोन को जलते हुए देख रहा था, लेकिन क्या नीतीश खाते हुए ये काम करना चाहते हैं? पहले उनकी पार्टी के नेता ने इफ्तार पार्टी दी, पीछे लाल किला भी लगा दिया, अपने नेता को फील भी दे दी, लेकिन अब नीतीश खुद पार्टी दे रहे हैं। सवाल इफ्तार पार्टी का नहीं है, सवाल है कि आपके राज्य में हुई हिंसा का आपके पास कोई जवाब नहीं है और ना ही उसे आगे रोकने का कोई रोड मैप दिख रहा है। लेकिन आपको अपनी सियासत चमकाने के लिए, नेताओं को अपने फेवर में लाने के लिए इफ्तार पार्टी करने का पूरा तरीका पता है। टोपी पहनकर बैठना, दुआ के लिए हाथ फैलाना सब आता है, लेकिन जल रहे राज्य पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकना कहां तक ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इफ्तार पार्टी नहीं है, नीतीश कुमार यहां से 2024 के लिए अपनी टोन सेट करना चाहते हैं। जितने नेता वहां पहुंचेंगे वो नीतीश की शक्ति प्रदर्शन माना जाएगा। बीजेपी के नेताओं को भी इस पार्टी में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार हिंसा में जल रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, सीएम इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी इफ्तार पार्टी में हमें शामिल नहीं होना है। नीतीश ने चोर दरवाजे से आरजेडी को शासन में ला दिया। रामनवमी पर बिहार में जो हुआ उसको लेकर बीजेपी नीतीश पर और नीतीश बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन सवाल तो सरकार से ही होगा, सीएम आप हैं, तो अगर बीजेपी वो दंगे करवा रही है तो उन्हें गिरफ्तार कीजिए, लेकिन आप बस बातें कर रहे हैं। रामनवमी पर हिंसा के सवाल पर देखिए कैसे सीएम नीतीश ने क्या कहा। दोनों जगह पर कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ किया, इसीलिए ऐसे हालात बने। बिहार में पहले बहुत झंझट होता था, हमारे आने के बाद यहाँ सब खत्म हुआ। अमित शाह को सासाराम जाना था, इसीलिए घटना करवाई गई। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में थे तब कहीं भी हिंसा होने पर कहते थे कि आरजेडी ने ये सब करवाया, और अब जब आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं तो हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि सीएम वो खुद हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। नीतीश शायद भूल रहे हैं कि जनता कुछ भूलती नहीं है। आपको याद होगा अखिलेश के राज में मुजफ्फरनगर के दंगे यूपी में हुए थे, उस वक्त उन्होंने सैफई महोत्सव में उत्सव मनाया था तो जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया और ऐसा फेंका कि अब वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। अगर नीतीश भी इसी खुमार में बैठे हैं कि जातिवाद और इसका उसका साथ लेकर सत्ता में बने रहेंगे तो शायद भूल कर रहे हैं और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।